तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक कमाल की ऐप की अपडेट के बारे में, या हो सकते हैं कमाल की एक नई जो सेटिंग्स मिलती है आपको उसकी अपडेट के बारे में। जैसा कि पता होगा आपको, सेटिंग्स के अंदर एक सेटिंग्स मिलती है डिजिटल वेलबींग। डिजिटल वेलबींग मतलब कि आप समझ सकते हैं डिजिटल से रिलेटेड है, और ये बहुत ही शानदार ये ऐप या ये वाली सेटिंग होती है जिससे आप अपने अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो क्या ये होता है, कैसे यूज करेंगे और क्या नया अपडेट आया, सब डिटेल आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। थैंक यू दोस्तों। जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटल वेबलिंग के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा डिजिटल वेलबींग करके। यहाँ पर आप देखेंगे ये अपडेट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल वेलबींग मतलब कि ये डिजिटल से रिलेटेड है और पूरा वेलबींग करने का काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इसको रोल आउट किया गया 1 दिसंबर 2023 को, जिसका अपडेट साइज है 13.53 MB का और वर्जन नंबर है 5.00.24। अब ये काम क्या करता है, ये आपको क्या करता है, मैनेज करता है। अगर आप कुछ ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप अपना स्क्रीन टाइम सेट आउट कर सकते हैं, ऐप टाइम सेट आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम मॉनिटर को मैनेज कर सकते हैं, ड्राइविंग मॉनिटर, वॉकिंग मॉनिटर, फोकस मोड, बेड टाइम मोड, वीकली रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओवरऑल मतलब कि अगर आप अपने मोबाइल से थोड़ा दूर होना चाहते हैं तो डिजिटल वेलबींग के थ्रू आप इजीली कर पाएंगे, जिससे आप टाइमिंग देखें। तो पहले तो कर लेता हूँ अपडेट। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर दो नई चीज़ें एड ऑन की गई है। इन्हांस लेआउट, जो उसका लेआउट है थोड़ा सा चेंज किया गया था। मेन स्क्रीन ऑफ डिजिटल वेलबींग हैज़ बीन डिजाइंड एंड मेकिंग इट इजियर टू फाइंड इट इन्फॉर्मेशन यू नीडेड। इसको इतना इजीली कर दिया गया ताकि आप कोई भी अपनी जो भी आपको चाहिए आप इजीली फाइंड कर सकें। उसके बाद मोर कंटिन्यूइंग वीकली रिपोर्ट, मतलब कि वीकली रिपोर्ट के अंदर और मोर कंटेंट डाल दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से वहाँ पर अपनी वीकली रिपोर्ट को देख सकें। लाइक यूजर्स पैटर्न, यूजर्स पीक टाइम, यूजर्स टाइम, हाउ योर बैलेंस ऑन योर स्क्रीन। आपको अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना है डिजिटल वेलबींग में, एंड डिजिटल वेलबींग में जाने के बाद आप देखेंगे ये पूरी तरह से आपको एक नया लेआउट तो मिल ही रहा है। आप देख रहे हैं पूरी तरह से एक नया लेआउट मिल रहा है। सबसे ऊपर आपको बता रहा है कि आपने एक घंटा क्या करा, 1 घंटा 35 मिनट मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया यूज़ करा, अदर मैंने 6 मिनट, प्रोडक्टिव एंड फाइनेंस 5 मिनट मैंने यहाँ पर यूज़ किया। सारी डिटेल बता रहा है। आप यहाँ पर अंदर जाएंगे तो और अच्छे से यहाँ पर बता देगा कितनी बार आपने अनलॉक किया, कितनी बार नोटिफिकेशन चेक करी, कितनी बार आपने कितने मिनट आपने देखा और कब कब आपने अपने मोबाइल को सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा। मोस्ट यूज ऐप बता देगा कि सबसे ज़्यादा आपने कौन सी ऐप यूज़ करी, लाइक इंटरनेट, बीटा, व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम। साथ में मिनट्स भी बता रहा है, और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो टाइम भी बता देगा कि कब आपने उसका चीज़ का यूज़ किया। आप देखेंगे पूरा टाइम के साथ आपको वो वहाँ पर बताएगा। उसके बाद आएगा गोल। यहाँ पर अगर आप एक कोई गोल सेट कर देंगे कि मेरा गोल है कि मैं 1 घंटे, मतलब मैंने सेट कर रखा है 2 घंटे ज़्यादा नहीं चलाऊं, तो वो आपको बता देगा कि आपका गोल यहाँ पर पूरा हो चुका है, आप उससे ज़्यादा यहाँ पर आप चला रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर सजेस्ट कर देगा। और ऐप टाइम मतलब कि यहाँ पर आप टाइम डाल सकते हैं कि किसी ऐप का, लाइक मैंने यहाँ डाला इंसर्ट शॉट और यहाँ पर गया सेट टाइमिंग पे कि भैया मैं 20 मिनट से ज़्यादा चलाऊँ नहीं, 1 घंटा चलाऊँ। उसके बाद वो ऑटोमेटिक बता देगा कि इतना टाइम हो गया है, आप इससे ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर सकते। ड्राइविंग मॉनिटर मतलब ड्राइविंग करते टाइम यहाँ पर एक डाल सकते हैं ताकि आप फालतू की ऐप्स में आपका काम ना बचे, आपका ध्यान आपकी ड्राइविंग पर है। उसके बाद आएगा नीचे स्क्रीन टाइम वाइल वॉकिंग, आपने कितनी देर अपने मोबाइल को चलाया वॉकिंग करते टाइम, वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगी। पेरेंट्स कंट्रोल, जब आप अपने अपने बच्चे का मोबाइल कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद दो चीज़ और मिलती है यहाँ पर, फोकस मोड और बेड टाइम मोड। फोकस मोड में क्या होगा, मान लो मैं ऑफिस में हूँ या वर्क में हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक फोकस मोड लगाया और यहाँ पर मैंने डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर दिया और रेस्ट्रिक्टेड ऐप्स यूजेस कर दी, ठीक है, या मैंने कुछ ऐसी ऐप सेलेक्ट कर ली सिर्फ वही ऐप मेरी चले उसके अलावा कोई ऐप ना चले, तो आप यहाँ पर उसका मैनेज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी ऐप्स नहीं चलेगी। और उसके विपरीत होता है बेड टाइम मोड, मतलब कि इसके अंदर कुछ भी नहीं चलता, जैसे आई कंफर्ट स्क्रीन ऑन, साउंड मोड ऑफ, ग्रे स्केल ऑन, डार्क मोड ऑन, सब बंद हो जाता है, बस आपका मोबाइल बस ग्रे स्केल पे चलता है, सिर्फ कॉलिंग आती है, तो ये भी बहुत शानदार है।
इन सबको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे या 3 डॉट्स में सेटिंग्स मिलेगी, सेटिंग्स के अंदर जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको पता चल जाएगी कैसी नोटिफिकेशन चाहिए। शो डिजिटल बैकग्राउंड ऑन ऐप स्क्रीन वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आएंगे यहाँ पर सर्च, जो भी कुछ सर्च करना आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और ये है वीकली रिपोर्ट आपकी। यहाँ पर जाएंगे डिजिटल वेलबींग में और यहाँ पर आपको आपकी वीकली रिपोर्ट्स मिल जाएगी। तो वीकली रिपोर्ट्स में जैसा ये क्रॉस बने आ रहा है, मतलब कि मैंने अपने यूजेस टाइम से ज़्यादा मैंने अपने मोबाइल को यूज़ करा है, तो इसलिए ऐसा बता रहा है। और आपने सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करा है, देख रहे हैं आप पूरा बता रहा है वीक का मेरा कि मैंने 4 घंटे 18 मिनट इंस्टाग्राम यूज़ करा, 2 घंटे 55 मिनट व्हाट्सअप यूज़ किया, मेरी कॉल 1 घंटा 43 मिनट यूज़ की। पीक टाइम मतलब सबसे ज़्यादा कब टाइम पे मैंने यूज़ करा, कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ करी और कितने टाइम मैंने वॉकिंग करा, मतलब पूरी तरीके से एनालिसिस करके बता रहा हूँ। और अगर आप एक एक करके दिखेंगे पूरी तरीके से वो एनालिसिस आपको यहाँ पर करके बता रहा है। तो बहुत अच्छी यहाँ पर वीकली रिपोर्ट यहाँ पर कर दी गई है ताकि आप अच्छे से यहाँ पर पूरे अपने हैंड्स को समझ कर जैसे पीक टाइम, पीक यूजेस टाइम और पीक, जैसे यहाँ पर देखो मैं बताऊँ टोटल पीक टाइम, पीक टाइम यूजेस ऑन सोशल मीडिया पे पीक टाइम क्या था और वीडियो में मेरा पीक टाइम क्या था, सब डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो यही नया अपडेट था इसकी तरफ से जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे डीएम करके पूछ सकते हो। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो और साथ में मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे चैनल का मिल जाएगा, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले। तो थैंक यू।